डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बहुत ही, और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घातांक से संबंधित क्वेश्चन है, और जो कि प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो डियर फ्रेंड, आइए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं और इसका सलूशन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है स्क्वायर रूट एक्स इनवर्स वाई इंटू स्क्वायर रूट वाई इनवर्स जेड इंटू जेड इनवर्स इंटू जेड इनवर्स एक्स। अभी देखो, इसको आप आसानी से लिख सकते हो, आप ये इस चीज को इस तरह से लिख सकते हो, ये मतलब आपका इसको आप लिख सकते हो एक्स अपान, देखो ये इनवर्स है तो ये सूत्र होता है, अगर मान लो ए टू दी पावर माइनस एम है तो ये होता है 1/a^m, तो इसको आप लिख सकते हो वाई अपान एक्स हो जाएगा इंटू, इसी तरह से ये माइनस है तो नीचे चला जाएगा जेड अपान वाई हो जाएगा इंटू, और इसको आप लिख सकते हो एक्स अपान जेड, ठीक है ना। अब देखो डियर फ्रेंड, क्या होता है आपका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अगर मान लो करड़ी में ए है और करड़ी में बी है तो ये बराबर हो जाता है करड़ी में ए गुणे बी, ठीक है ना। और देख सकते हो ये सब करड़ी में ही है, इसको आप करड़ी में लिख सकते हो वाई अपान एक्स इंटू जेड अपान वाई इंटू एक्स अपान जेड, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, जेड से जेड, तो बचेगा करड़ी में एक और एक का वर्गमूल होता है एक, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है स्क्वायर रूट, ठीक है ना, करड़ी दिया है, फिर करड़ी दिया है और एक्स टू दी पावर फोर दिया है। तो देखो क्या होता है, अगर एक मान लो ये आपका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अगर मान लो करड़ी में ए है, अगर मान लो करड़ी में ए है और इसको आप हटाते हो तो ए टू दी पावर वन बाई टू आता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस करड़ी को, ये जो बीच वाला करड़ी है, अगर इस करड़ी को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर, टू दी पावर हो जाएगा वन अपॉन टू, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में एक्स टू दी पावर फोर इंटू वन अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब तो कितना बचेगा, टू टू दी पावर फोर, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस स्क्वायर से ये करड़ी गायब हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा एक्स, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। बहुत आसान प्रश्न था। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है पाई टू दी पावर, इस तरह का प्रश्न प्रत्येक प्रकार के एग्जाम में आता है, पाई टू दी पावर थ्री बाई फोर इंटू पाई टू दी पावर वन बाई टू, तो कुछ करना नहीं है। अब ये सूत्र आपका होता है, आप जानते हैं ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू होता है ए टू दी पावर एम प्लस एन, तो आप वो इसको जोड़ लेना है, तो ये बराबर जो है पाई टू दी पावर थ्री बाई फोर प्लस वन बाई टू, तो आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई टू दी पावर चार और दो का एलसीएम हो जाएगा चार, और चार में चार का भाग देंगे एक आएगा, एक का गुणा तीन में करेंगे तीन होगा, चार में दो का भाग देंगे दो आएगा, और दो का गुणा जब हम एक में करेंगे तो दो हो जाएगा, या ये बराबर पाई बराबर हो जाएगा कितना, तीन दो पाँच, पाई पर पावर पाँच बटे चार, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है इसको, देखिए यहाँ फोर्थ रूट है, फिर उसके बाद में आपका क्यूब रूट है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखो इसको आप कुछ करना नहीं है, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अगर मान लो ए पे पावर एम है और यहाँ एन है, जब करड़ी को आप हटाते हो ये बराबर हो जाता है ए टू दी पावर एम बाई एन, तो ये बराबर आपका हो जाएगा, फोर्थ रूट है ऐसे ही रहेगा, ये दो हटेगा एक तीन, तो देखो यहाँ जो ए का पावर था ऊपर हो गया और करड़ी का पावर नीचे, तो दो ऊपर हो जाएगा तीन नीचे हो जाएगा, तो जाएगा एक्स पर पावर दो बटे तीन, ठीक है ना। अब फिर जब इस करड़ी को आप हटाओगे तो ये हो जाएगा एक बटे चार, हो जाएगा एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री है, ठीक है ना, इंटू ये हो जाएगा वन बाई फोर, और जब इसको इस करड़ी को जब हटाओगे तो ये वन बाई फोर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये करड़ी जब आप हटाए तो दो बटे तीन हो गया, अब ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री इंटू वन बाई फोर, तो जाएगा दो दूनी चार, ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर कितना, वन अपान दो किया छः, तो एक्स टू दी पावर वन बाई सिक्स, ये हो गया आपका आंसर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स रूट एक्स,
ये हो गया आपका आंसर। तो डियर फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप इस तरह के प्रश्नों को आप रिवाइज करिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके कंपटीशन की परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। तो डियर फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।